आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट मेनू बार। और इंसर्ट मेनू बार में हम बात करेंगे, हमने यहाँ तो स्पॉटलाइट तक कर लिया था, ये स्लाइड से मैंने आपको करा ही दिया था पिवट के साथ, हम बात कर रहे हैं लिंक की। जैसे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाना चाहते थे, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शीट 3 क्लिक करते मैं शीट 3 पे चला जाऊँ, तो इस पे आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अब जैसे मुझे अपने ही करना है तो यहीं पे कर सकते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से शीट 3 सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो शीट 3 पे चला जाऊँगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको शीट 3 पे जाना है, लेकिन एक मिनट में लिंक पे आता हूँ, तो ये A1 पे जा रहा है। अब A1 के जगह पे मान लीजिए आपको जाना है B2 पे, तो B2 जो भी एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे आप यहाँ जा सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपने ही इसमें टॉप एंड बॉटम करना है, यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मुझे टॉप करना है, तो मैं इस पे ही आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं और इसे शीट 3 है, शीट 3 को ही सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैंने J1 कर दिया एंड ओके कर दिया। जैसे इस पे क्लिक करूंगा कर्सर J1 पे चला जाएगा। जैसे वेबसाइट वगैरह देखते होंगे आप टॉप बॉटम, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो इस पे। अगर डिफरेंस फाइल वगैरह ओपन करवाना है आपको, बुक वन वगैरह, तो यहाँ यहाँ पे इलेक्शन वेब पेज या जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना रेफरेंस दे दीजिए। अब क्लिक करते ही हमारा वो बुक फाइल डॉक्यूमेंट से ओपन हो जाएगा। ऐसी कोई वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं .com वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो टाइप करते ही खुद ब खुद चला जाता है, लेकिन मान लीजिए मैंने सिर्फ मैंने गूगल दिया हुआ है तो इस पर तो लिंक नहीं लगेगा ना। तो यहाँ आप लिंक पे क्लिक करें और यहाँ गूगल www.google.com कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका गूगल ओपन हो जाएगा। ओके से आप ओपन कर सकते हैं गूगल को। अब यहां पे कमेंट वगैरह किसी पे कमेंट डालना है तो सिंपल सी बात है, आप कमेंट डाल सकते हैं इंसर्ट करके, कोई खास नहीं है। टेक्स्ट में आते हैं तो एक तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन में कराया भी था, इसमें अपने हिसाब से सेव की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है इंसर्ट, अगर मैं करता हूं तो हेडर एंड फुटर। हिडन फुटर के लिए मुझे एक डेटा ओपन करना होगा क्योंकि डेटा पे वर्क करता है। ये डेटा आपके सामने है, हम इसकी बात करते हैं। और जैसे कि मैं इसको प्रिंट करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी हेडर में कोई हेडिंग हो, फुटर में पेज नंबर्स हो, ऐसे कुछ चाहता हूं, तो उसके लिए इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अब यहां पे आपके सामने आ गए हेडर में, जैसे कि आप जो देना चाहें हम यहाँ पे दे सकते हैं डेटा फॉर सेल्स, और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए डेट है आपका करेंट डेट, करेंट डेट डाल दिया। अब जिस दिन प्रिंट होगा उस दिन का यहाँ पे डेट डलेगा। नीचे फुटर होता है, जैसे फुटर मुझे पेज नंबर डालना है तो हमने क्लिक किया यहाँ पे फुटर, यहाँ पे क्लिक किया देखिए पेज नंबर, यहाँ पे एक पेजेज आपको दिख रहा है, जैसे कि ऑफ यहाँ पे पेजेज कर दीजिए 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 3 ऐसा होता है।
तो इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके अलावा करेंट टाइम, फाइल की पाथ, फाइल का नेम, सीट का नेम या कोई पिक्चर वगैरह आप डालना चाहें तो आप हिडन फुटर में डाल सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिंट में देगा। यहाँ पे कौन सा व्यू चल रहा था, ये पेज लेआउट व्यू। वापस मैं नॉर्मल व्यू में आ जाऊँगा तो मेरा हिडन फुटर हट जाएगा, नॉर्मल डेटा हमारा दिखेगा। तो इंसर्ट आपका हिडन फुटर में ही काम करते हैं। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट का। इस तरह से कोई वर्ड या करेक्टर आपको लिख रहा है तो वर्ड आर्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने आई पी टी एक्सल स्कूल लिख दिया, तो ये आपके सामने है दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उसमें सिग्नेचर का ऑप्शन देना होता है, तो थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आता है कि सिग्नेचर कहाँ करना है, हर किसी को बताना होता है। आप भी किसी बैंक का फॉर्म भरने जाते हैं तो सिग्नेचर लिखा हुआ तो रहता है, फिर भी आप बैंक से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर करना है, कई सारे सिग्नेचर है तो कुछ छूट भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर दे देंगे। यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ, नाम दे दीजिए सुजीत कुमार, इस तरह का आगे इस तरह के अपने फॉर्म में डाल सकते हैं सिग्नेचर। बट कुछ लोग डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज करते हैं, तो यहाँ सिग्नेचर सर्विसेज है, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चला जाएगा और वहां से सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं सर्विसेज को। अब टेक्स्ट में ही अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम कोई अलग से चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल में ही पेंट खोलना है तो बिटमैप इमेज को ओके कर दिया, ये पेंट आ गया। अब मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा, कुछ भी एक्टिविटी करूंगा तो वो हमारे एक्सेल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे मैं इसको यहां से क्लोज करूंगा, ये इमेज आपको यहां पे आ जाएगा क्योंकि एम्बेड पेंट पिक्चर, डबल क्लिक करूंगा तो वापस पेंट खुल जाएगा। सिर्फ पेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे और भी चीजें हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट। मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट कर दूं तो ये हमारा ग्राफ चार्ट एम्बेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2003 वाली जो चार्ट आपके साथ दिख रहा है, ये सारे चार्ट के टूल से 2003 में ऐसे हुआ करता था पहले। और यहाँ पे अपना डेटा, ये आपका डेटा सर्विसेज, यहाँ पे अपनी मर्जी से डेटा डालिए और आपका चार्ट तैयार है। ये आपका चार्ट के टाइप्स हैं, यहाँ से चार्ट के टाइप्स ले सकते हैं, जो चार्ट के टाइप चाहिए आप, जिस तरह का चार्ट चाहिए, जिस 2003 में इस तरह का चार्ट यूज होता था। और जैसे मैं एक्सेल सीट पे यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक होते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट में, तो ऐसे यहाँ प्रेजेंटेशन, अब जैसे मान लीजिए जूम का एक सिस्टम आपको देना है कि आप चाहते हैं कि जूम होना चाहिए। मैंने एक चार्ट बनाता हूँ, मैं चार्ट आपका जूम होना चाहिए, कोई डेटा भी चाहते हो तो आप चाहते हो कि जूम होना चाहिए। यहाँ पे मंथ छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमने और इसमें मैंने एक चार्ट बना दिया, पाई चार्ट ही बना देता हूँ मैं।
विचार को मैं यहाँ पे ना रख के मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल तो कॉपी कर लेता हूँ, बाद में कट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। और मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ एंड ओके करता हूँ। छोटा हो गया जिससे यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ। हो जाता है डिलीट क्यों नहीं कहीं दिक्कत हो गया, डबल क्लिक करता हूँ, अब पावर पॉइंट को ओपन हुआ है, तो प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। अभी एक मिनट सिस्टम जो है लगा हैंग हो गया है। सिस्टम भी हैंग हो गया अभी देखो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला हुआ है ना, उसको एंड कर देता हूँ। दोबारा बताता हूँ क्या है, तो हैंग नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्यों हैंग हो गया। और मैं इस पे चार्ट बना देता हूँ, इंसर्ट कटने का तो बना हट जाएगा। और यहाँ इंसर्ट में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करूंगा,
जब भी मैं ये खोलता हूँ ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये लेटेस्ट है हमारा 2000, जो आपका लेटेस्ट विंडो चल रहा है उसका, ठीक ही नहीं हो रहा था, दिक्कत थी उस पे लग रहा था, कोई थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया। और फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा आप बड़ा करता हूँ जो पूरा स्लाइड में दिखे इस तरह से। इसके बाद यहाँ एनिमेशन पे आता हूँ, इसमें एक जूम का ऑप्शन आएगा, जूम, ठीक है। तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, अब नॉर्मल एक्सेल हो गया। अब मुझे इसको देखना होगा, इसको डिटेल में मुझे पूरा देखना है, तो बस जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये जूम हो गया आ जाएगा, स्केप मारूंगा हट जाएगा, फिर डबल क्लिक करूँगा ये जूम हो गया आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छी सर्विस है ना सर ये। तो पावर पॉइंट की पूरी स्लाइड को भी लेके आ सकते हैं इसमें, उसके अलावा यहाँ पे है, ये तो सर डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड को लेके आ सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है, और भी पैकेज वगैरह है उसको लेके आ सकते हैं। तो पैकेज को किया तो पैकेज अलग अलग, यहाँ पे आप पैकेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पैकेज है आपका, क्या लेके आना चाहते हैं। तो पैकेजेस में आप यहाँ पे पैकेजेस की फाइल दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं पीडीएफ नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, तो ये लिंक हो गया, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। ऐसे भी आप किसी तरह की कोई फाइल को भी यहाँ से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाकर क्रिएट फाइल, फिर फाइल का अगर ऑप्शन बनाना है कि जस्ट जैसे मैंने डीटी को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, लिंक एंड डिस्प्ले आइकन कर दिया, तो आपको इस तरह जैसे डेस्कटॉप पे पड़ा होता है ना उस तरह से आइकन दिखेगा, डबल क्लिक होने पे ये फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट था, ऑब्जेक्ट में एक सैम्पल है, आप यहाँ से इस तरह की इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करना चाहो तो इस तरह की इक्वेशन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ऊपर बहुत सारे सैप फॉर्मेट है, इक्वेशन फॉर्मेट है, यहाँ पे जो जो इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन ले सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद सैम्पल, अपने हिसाब से सैम्पल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें। और ड्रॉ, यहाँ एक ऑप्शन ड्रॉ का है कि आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल का ऑप्शन देता है। देखिए लेटेस्ट वर्जन में है, पुराने वर्जन में ड्रॉ नहीं है, इरेज करना चाहो तो इरेज कर सकते हैं। लीजिए रिंग रिप्ले तो नॉर्मल हो गया। पेज लेआउट में हम बात करते हैं पेज की फॉर्मेटिंग के ऊपर। एक तो पहला आपका थीम, ये आपका थीम होता है कि आपके एक्सेल का डिफॉल्ट थीम कैसा होना चाहिए, उस तरह से ना थीम चेंज हो जाता है, जैसे मोबाइल में थीम होते हैं वो थीम यहाँ डाल सकते हैं, थीम का कलर क्या होना चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम का फॉन्ट क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे थीम का इफेक्ट क्या होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई खास इसका यूज नहीं है, नॉर्मली हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्जिंग आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमें प्रिंट लेना है तो पेज का मार्जिंग क्या होना चाहिए, तो मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टम मार्जिन से लेटर वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप बॉटम हिडन फुटर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपका उसी हिसाब से होगा। इसके बाद पेज की साइज डिसाइड कर सकते हैं कि साइज कौन सा है। उसके बाद सर हम बोलिए एक चीज मेरे को ये बताइए, नहीं जो डॉट लाइन आ रहा है ना सर, के और एल के बीच में, हाँ मैं अक्सर जो प्रिंट लेता हूँ ना सर, ए फोर साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अक्सर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ, जब प्रिंट लेने जाता हूँ तो फिर वापस वो दो तीन पेज में हो जाता है, इसको रिमूव कैसे करेंगे सर?
नहीं, देखिए ये सिंपल सी मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ आपका साइज है, यहाँ आपका प्रिंट एरिया है। जैसे मान लीजिए मुझे पूरा सेल को प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसी एरिया को प्रिंट करना है, तो मैं इसको सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा। तो अब प्रिंट करेंगे तो सिर्फ मेरा वो डेटा ही प्रिंट होगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। प्रिंट एरिया क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए कि मुझे पेज ब्रेक यहाँ यहाँ से चाहिए, ये अलग पेज में आ जाए, तो इंसर्ट पेज ब्रेक आप कर सकते हैं, या फिर पेज ब्रेक है तो रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज वगैरह डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, लेकिन वो जस्ट व्यू के पर्पज से होगा, वो आपका प्रिंट में नहीं आएगा। इसमें नहीं डाल दिया तो प्रिंट करने जाएंगे तो इसकी बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगी, बैकग्राउंड नॉर्मल ही होता है। आता है प्रिंट टाइटल्स, तो एक बार मैं एक कोई डेटा जो ओपन किया था डी टी उसी को ओपन करता हूँ। सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हुआ है ना सर, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। डीटीपी का डेटा ही नहीं है, ई डेटा करता ये डेटा है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये आपका पहले शीट पे आप हेडिंग देख रहे हैं, नेम सिटी क्वांटिटी, लेकिन जैसे दूसरा शीट देखता हूँ कोई यहाँ दूसरे शीट पे कोई हेडिंग नहीं, तीसरे भी कोई हेडिंग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा हेडिंग है, मतलब कि कॉलम का जो हेडिंग है, हर पेज पे हमारा प्रिंट हो। तो यहाँ उसके लिए पेज लेआउट में आपके सामने प्रिंट टाइटल है, और मैं यहाँ पे प्रिंट टाइटल में रो रिपीटेड या रो ऑफ रिपीटेड टॉप पे जाता हूँ, और मैं सबसे पहला वाला रो जो मेरा हेडिंग है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे कॉलम में करना है, जैसे लेफ्ट वाला कॉलम फिक्स होना चाहिए, तो कॉलम कर सकते हैं यहाँ से आप। तो अब मेरा प्रिंट में देखेंगे तो हर एक पेज पे हमारा के बाद प्रिंट आइटम में और भी चीजें होती है, जैसे कि ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हो, या ड्राफ्ट क्वालिटी करना चाहते हो, या रो की जो हीडर है एबीसीडी इसको प्रिंट करना चाहते हो, तो ये आपका टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना चाहते हो, बहुत सारे पेजेस हो तो उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि उन्होंने पूछा कि कैसे करें, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूं कि डेटा कई मेरा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक पेज में आना चाहिए। यहाँ विड्थ आपको दिख रहा है सर, इसमें आप ऑटोमेटिक कर दीजिए, आपका एक ही पेज पे प्रिंट होगा। देखिए पर प्रिंट की साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, राइट सर? आपने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जवाब है सर ये, समझ अच्छा गए? हाइट को एक पेज करना है तो ध्यान देखिए, स्केल 67% जो आपकी व्यू है उसका 67% साइज ही प्रिंट होगा, टेक्स्ट की साइज। ऐसे ग्रिड लाइन को देखना है तो रख सकते हो, हटाना है हटा सकते हो, प्रिंट बनाना है प्रिंट बना सकते हो, हेडिंग को रखना है रख सकते हो, हटाना हटा सकते हो, प्रिंट पे करना है तो प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो आपका ये 1 2 3 और ABCD भी प्रिंट होगा, ये चीजें कर सकते हैं। बाकी तो वही चीज है जो मैंने आपको बताया था इमेज में, बाकी इसमें कोई खास नहीं है। तो हमने फाइल, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट के हमने कवर कर लिया है। अब अगला टॉपिक हमारा फॉर्मूला होगा, लेकिन उससे पहले इन सबों चीजों पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्मूला में घुसेंगे तो फिर आपको कुछ और चीज नहीं समझ में आएगा, इसलिए ठीक है सर।